तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे जो जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करता था और वो अभी सरप्राइज खुलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। और जो मार्केट था आज जो ओपन हुआ है, आप सभी ने कल देखा होगा किस तरीके से स्टार्टिंग में बूम दिया। मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से उतना कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट मैंने मार्केट को थोड़ा सा देखा था और मॉर्निंग में एक कॉल पर ट्रेड किया था। फर्स्ट ट्रेड में टारगेट हिट एंड सेकंड ट्रेड में ना जो एसएल किया था 1800 क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहा हूँ दोनों में। और दोनों के एक बार मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में ये था अपना पहला ट्रेड इस जगह पे, एंड देन एक बिग बार इस पे एंट्री बनाना था, थोड़ा सा लेट हो गया। मैं इस पे बनाया इस लेवल तक के टारगेट के लिए, बट मार्केट यहाँ से भी डाउन मूव दिया, तो अपना जो है टोटल इसमें एसएल गया था, एक में टारगेट एक में एसएल, तो कुल मिला के अभी अपन चल रहे 3000 के लॉस। तो अभी ये 1800 क्वांटिटी से ही पंचअप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो जोश टाइप का एनर्जी टाइप की नहीं आ रही है। क्योंकि जब आपका थोड़ा सा वो नहीं हो ना, हेल्थ मतलब ठीक ना हो, एनर्जेटिक ना हो, आप मजा नहीं आता, तो ज़्यादा एकदम बड़ी क्वांटिटी से नहीं करना है आपको। ट्रेड तो करना ही, ट्रेड सभी नहीं करना है, क्योंकि ना बड़ी कैपिटल डालने के बजाय छोटा सा ही आप, मैं अगर 5000 क्वांटिटी में मारता हूँ ट्रेड, तो 1800 क्वांटिटी में मारने में क्या फर्क पड़ रहा है? ट्रेड भी हो जाएगा और आपका क्या बोलते हैं, ज़्यादा एफर्ट भी लगेंगे, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा ट्रेड का। तो अभी यही चल रहा है, बाकी आई होप आप बिग बार स्ट्रेटजी पर काम कर रहे होंगे। और आपने मेरा किचन वो देखा होगा जहाँ मेरा ट्रेडिंग सेटअप था एक टाइम पर, लास्ट ईयर की बात है, तो वो भी आई होप आपने देखा होगा। बाकी ऐप के अंदर लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, थोड़ा सा अभी जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है, बट वो तबीयत खराब हो रही है इस चक्कर में, अभी और उसको कंप्लीट नहीं कर पाया मैं रिकॉर्ड, बट इस वीक एंड तक आपको मिल जाएगा सारा का सारा कंटेंट सीखने वाला, ठीक है? तो आप सीखे बिना कुछ मत करना। और बाकी है कि अभी देखता हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने जाना है, फिर मैं देखता हूँ कुछ मेरे ट्रेड बनता है तो। बाकी रोज जो ट्रेड तो हम कर नहीं सकते, रोज जो जबरदस्ती नहीं करना, कुछ बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ पर अपन ने निफ्टी में ट्राई किया, निफ्टी थोड़ा सा मेरे को स्टेबल लग रहा था, और क्योंकि इसके फिर निफ्टी में कल एक्सपायरी है अपनी तो आज ये रेजिस्टेंस के आसपास तो यहाँ मिल नहीं था, बट यहाँ पे ये रिटेस्ट करके अपना एक हेल्दी कैंडल इसने बना दिया था, रिटेस्ट किया, फिर उसी को इनगल्फ करके एक बिग बार बना दिया इसने। इसी बिग बार पे मैं स्कैल्प किया हूँ, और ये स्कैल्प है 18200 एक कॉल ऑप्शन, एंड इसमें काफ़ी अराउंड 10% से ऊपर का मैंने इसमें जो है रिटर्न उठाया है, तो काफ़ी सही स्कैल्प था ये, जो मैं एक्सपेक्ट किया था कि यार निफ्टी में यहाँ पर से ये बिग बार अगर हेल्दी कैंडल बनी है तो ये मूव कर सकता, क्योंकि इसने इनगल्फ कर दिया था, एसएल छोटा सा था, इसको जैसे ही नीचे कोई नई कैंडल आती तो इसमें एग्जिट करना होता, बट ये डायरेक्शन हमारी चली है। एंड फिर निफ्टी में देखे तो फिर निफ्टी अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, बाकी अब इसके बाद फिर निफ्टी में देखेंगे क्या होता है। निफ्टी भी अभी अप मूव दे रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों मार्केट को देख रहे हैं हम, तब से मार्केट अब एक मूव देने के बाद कम्प्लीटली एक तरीके से कह सकते हो थोड़ा सा साइडवेज जोन पे चला गया, और ऐसे में ट्रेड नहीं किया जाता है, और ये मैंने अपने उसमें बता भी दिया था स्टूडेंट्स को जो कहते हैं कि मॉर्निंग एक मूव आ गया उसके बाद मत करो कोई भी ट्रेड। तो अपन तो बिस्तर में लेटा पड़ा हूँ मैं, लेकिन तो ये अभी देख रहे हो यहाँ मार्केट अगर कंप्लीट ऐसे मूव करने पे है, और इस वाले मूवमेंट में कोई पैसा नहीं बनता, इस तरीके का जो मूवमेंट आता है इसमें नहीं बनता है, इसे ऑप्शन बाय करनी है, स्कैल्पर बना सकते हैं, बट मैं हर जगह नहीं घुसता हूँ, हर ट्रेड में नहीं घुसता हूँ। अभी क्या किया है, मार्केट का ये रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे ट्राई किया, बहुत टाइम स्पेंड किया, टेस्ट किया, अब इसके बाद इस रेजिस्टेंस की जोन को टेस्ट करके ऊपर निकल चुका है, तो अभी हमारे पास ये टारगेट है, बट इतना वन डायरेक्शनल मूव एक दिन में बहुत कम हो जाएगा इसको मिलना। देखते हैं अभी किस तरीके का इसमें मूवमेंट आता है, और तब तक ऑब्जर्वेशन है मेरी, मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, देख रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों अभी अगर मार्केट देखें तो पूरा ट्रिपल टॉप टाइप का बना चुका है फिर निफ्टी, 1, 2, 3, और टाइम देखो ऑलमोस्ट 2 बजने वाली भी, तो वेट कर रहा हूँ 2 बजे कुछ मूव मिले। ऐसे होल्ड कर रहा है इस लेवल को, 19300 के ऊपर टिका पड़ा है, रेजिस्टेंस था यहाँ पर, रेजिस्टेंस के ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है, 1, 2, 3 बार आ चुका है। तो फर्स्ट हाफ में इसने मूव तो अच्छा दिया था, बट अब वेट कर रहा हूँ मैं कि ये किसी साइड एक मूव दे, ये ट्रेंड चेंज करे। 9 EM में जब तक घूम रहा था तब अभी ये साइडवेज जोन है, अभी 9 EM से इजेक्शन लेके जब नीचे को आने लगेगा तब हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रेंड हमारा चेंज हुआ है, बट अभी के लिए तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 PM कैंडल चल रही है अभी, और कुछ नहीं हुआ फर्स्ट मॉर्निंग में अपन जो ट्रेड पकड़ा था जिस भी जगह पे, देखो पूरा उसके बाद साइडवेज, अब इसमें जो लगे होंगे करने पे ठीक है, लेकिन अपन तो आज ये स्मॉल उस पे ही कर रहे हैं, 2 चले 1 नहीं चला, ऑलमोस्ट 3 ट्रेड थे, 1800 क्वांटिटी सही था, स्कैल्पिंग ही करा था बस,
और कुछ नहीं, क्योंकि वो करने का एक अंदर से वो नहीं आ रहा है अभी कि हाँ बैठ के आराम से आप ट्रेड करेंगे वाला फीलिंग नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है। बट 3 PM कैंडल देखो, ऑलमोस्ट इसको डेड कैंडल ही कह सकते हो अभी तक तो। 2 मिनट हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। इसके बाद कुछ बना तो बना वरना बंद हो जाएगा आज के लिए। तो दोस्तों आज का ट्रेडिंग अपना ऐसी था, चल रहा है छोटा मोटा, और अभी अपन जा रहे हैं, हमारा इंतजार खत्म होने वाला है धीरे धीरे, तो हम चल रहे हैं सरप्राइज की ओर। सब्सक्राइब नहीं, सरप्राइज की ओर। और खाना भी नहीं खाया आज क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ खराब हो रही, तो भूख भी नहीं लग रही है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा कुछ खा पी के भी आएंगे और दिखाते हैं आपको सरप्राइज। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे, जो जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करता था, और वो अभी सरप्राइज खुलेगा। लेकिन उससे पहले ये देख दो ये है भाई दोस्त लोगों, स्टॉक बर्नर की वन एंड ओनली ड्रीम कार जो है अभी खुलने वाली है। तो ये है अपना सरप्राइज, जो कि जल्द से जल्द तुरंत अभी क्या बोलेंगे इसको, रिवील हो जाएगा, अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। अनबॉक्सिंग तो करते इंतजार, केक एक मंगाते हैं, और वो है खोलने वाला का है, पूजा तो कहें फोड़ने वाले हैं तो चाहिए, ले जाओ तुम कॉपर वॉपर लाओ, ठीक है। अभी सुनो, अभी अभी ये इंसान वही है जिम यही नहीं, इस बार लोन नहीं करवाया गया तो जिसको भी लोन करा है ना, जिसको लोन कराना वो यहाँ इनको संपर्क करे। तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ कहना कुछ कहना चाहेगा? मैंने चला दिया, मुझे पता है, मजा आ गया भाई। ये खुश है सबसे ज्यादा, ये खुश है, फेवरेट है यार, फेवरेट गाड़ी, फेवरेट फ्री में मिल गया मेरे को ये कुछ कहना चाहेगा ये भाई, सुबह से बस हम इसी चीज में लगे, हम दोनों मिल गए, कितने बार फटाफट हो जाए ये भाई, कुछ कहना चाहेगा, कहना चाहेगा बधाई दो दे भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। अब बिल्ली सब्र नहीं हो रहा मेरे से, जल्दी करो ये भाई, एक रात में डिसाइड किया है ये गाड़ी लेनी है, और अगले दिन उठा लिए, नहीं ले रहा था, फील हुआ कुछ, फील हुआ, किसकी बात तो लगी, किसकी बात वो समझ गया, वो कोई बंदा होगा। बधाइयां भाई, बधाई खुकरी से, खुकरी से काटे, चलो भाई ले ली, देख मेरी ये खड़ी है, अबे सच में ले ली है, मैं तो हल्द्वानी जा रहा है करके, मैं तो हल्द्वानी के पर्पस से आया था यार इधर, सच में ले ली है, चल 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 है, अबे तू ये ले ली है, ओवर रिएक्ट मत कर, ओवर रिएक्ट दिया भाई, चल 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 आ जाओ शुरू करो। भाई पार्किंग स्टेशन में रहिए, भाई साहब भाई कैसा लग रहा है, मेरी फट रही है और कुछ नहीं लग रहा तो इसका हैंडल बड़ा टाइट है, क्यों वो इसमें हाइड्रोलिक वो होगा ना, नहीं टाइट है इंजन तो, नया टायर है हाइड्रोलिक का, वो होता है थोड़ा भारी होगा तेरे को उस गाड़ी के मुकाबले, में स्लो हो जाता है क्या। हाँ तो दोस्तों अभी फाइनली वो जो सपना था, सपना को भाई क्या ही बोलूं, मैं तो सोचा नहीं था भाई हैरियर जैसी गाड़ी की छत पे से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, अपन ने कोई सोचा नहीं था, लेकिन आज कर रहे हैं, और नीचे से अपना भाई चला रहा गाड़ी क्योंकि तो मेरी फट गई भाई, इसको ले आने बिल्कुल इसका समझ ही नहीं आ रहा, इतनी तेज जा रही है, एकदम सीधे वैगनार से जैगुआर पे चले गए भाई तो देखा जाएगा इसमें तेल कितना पीती है, सब पहला हम तेल डलवा रहे भाई, टंकी करवाएंगे हम इसे फुल होगी टंकी, और ये है डीजल, और इसमें करेंगे हम फुल तेल। तो दोस्तों अभी अपन जो चल रहे हैं जा रहे मंदिर की तरफ, ठीक है, तो ये इसने लेट किया बहुत ही, ये पता नहीं क्या कर रहा था ये। और ये वो देखो कुत्ता भी निपट गया था, बीच रोड में सो रहे हैं, ऐसे मत सोए करो डॉग्स, बहुत मुश्किल रहेगी ऐसे, गाड़ी वाले को दिखता थोड़ी ना है, फिर कहते गाड़ी वाले ने मार दिया, और गाड़ी वाले कोई नहीं दिखता, फिर कहते गाड़ी वाले ने मार दिया, मतलब गाड़ी वाले को कुत्ता दिखता नहीं है नीचे लेटा हुआ, इतनी बड़ी ट्रक है, अब आसपास के जो दुकान वाले हैं वो उनको पता है रोड में सो रहा है वो भी नहीं हटाते। तो अभी अपन जा रहे हैं चितई मंदिर में, थोड़ा इसका उद्घाटन मंदिर से किया जाएगा, इनॉग्रेशन
पूजा पाठ के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों अभी इसको तो रात हो गई, हमें बहुत देर हो गया, लेकिन कराना आज ही है, तो हम चल दिए मंदिर में, अपनी चितई मंदिर में। तो दोस्तों अभी डिनर वगैरह कर लिया है, और डिनर करके हम निकलते हैं घर को। पेस आप ठूसा इनमें, लास्ट में गुलाब जामुन भी चाहिए खाने को। तो भाई मजा आ रहा, फील आ रहा है इसमें, गंदा किस हो गया। तो फाइनली अपन आ गए रूम पे, बहुत मतलब बहुत बिजी दिन, बहुत ज़्यादा बिजी दिन था, और ट्रेड तो वैसे ही रहा, छोटा मोटा कुछ खास नहीं। और बाकी ट्रेड की अपडेट हम कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलती रहेगी आपको, बाकी इंस्टा पर मिलता रहता है, इंस्टा स्टोरीज पर मिलता रहता है मेरे ट्रेड का अपडेट। बाकी पूरा दिन आज इसी में बिजी था, आपको बताइए बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों। और फिर उसके बाद रात में ही गए हम मंदिर वगैरह, फिर करवाया, अब कल अभी घर ले आना बाकी है। पापा के पास वैसे तो ब्लॉग देख लिया होगा पापा ने, लेकिन उनके सामने रखना और उनको बैठाने वाला जो मोमेंट है ना, उसको कैप्चर किया जाएगा और वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि ट्रेडिंग में ट्रेडर्स लोग जितने हों थोड़ा मोटिवेटेड रहें, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, मोटिवेटेड रहें। और बाकी यही था मेरा आज का ब्लॉग, और आज यही था अपना सरप्राइज। और आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज स्टॉक बनर का? इसके घर तो अलग ही खुशी है। तो चलो अब हाँ, बाकी रही बात ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग में क्या, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो आप क्या करो, सीधे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट बिना सीखे बिल्कुल मत करना। ऐप डाउनलोड कर लो, अब अपना एक जो टास्क था पूरा हो चुका है, अब जो टास्क है आपको जो एजुकेशन लर्निंग वीडियोज़ पूरा मैंने देना है ऐप के अंदर, वो जल्दी नेक्स्ट इसी वीक के अंदर अंदर एंड तक आप ऐप में अपलोड हो जाएगा। तो आप मेक श्योर आप देख के ही सीखना और उसी के बाद ट्रेड करना। बाकी मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बटन को दबाओ, कमेंट करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।